नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, स्पेशल सैनिक समाचार में हम जवानों के लिए हर वो छोटी से छोटी खबर आप तक पहुंचाएंगे जो ना तो आज तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आपको मिलती है, ना ही आपके सैनिक सम्मेलन में आपके साथ शेयर की जाती है और ना ही प्रिंट मीडिया में अक्सर उसको जगह मिल पाती है। तो आइए देखें आज के फटाफट सैनिक समाचार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बधाई देते हैं नायब सूबेदार गौरव सोलंकी जी को, जो कि बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप से हैं, जिन्होंने 57 किलोग्राम कैटेगरी में इंटरनेशनल इस्तांबुल बोस्फोरस बॉक्सिंग टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों, भारतीय सेना के लिए ये एक बहुत ही गर्व की बात है और हम सूबेदार सोलंकी साहब को सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। दोस्तों, दूसरी खबर भी खेल जगत से निकल कर आ रही है। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप जो कि दिल्ली में खेला जा रहा है, 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट्स में हवलदार पंकज जो कि राजपूत रेजिमेंट से हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों, हम सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल की तरफ से भी हवलदार पंकज जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं और दोस्तों साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य तथा ओलंपिक में मेडल हासिल करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, JCO और जवान के डिपेंडेंट्स और उसके फैमिली मेंबर्स, अगर उनके डेट ऑफ बर्थ में कुछ करेक्शन होना या अमेंडमेंट होना है तो उसके लिए दो स्टेप्स हैं। जो लोग सर्विस में हैं यानी सर्विंग पर्सनल के लिए CO के थ्रू जो प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट हैं, जो मैं आपको नीचे सारे दिखाऊंगा, वो उन ओरिजिनल सेट और उनकी ड्यूली अटेस्टेड कॉपी CO के थ्रू अपने रिकॉर्ड ऑफिस को सबमिट करें। और जो जवान रिटायर्ड हो गए हैं यानी जो नॉन इफेक्टिव पर्सनल्स हैं, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर्स के थ्रू ओरिजिनल के साथ साथ एक अटेस्टेड कॉपी का सेट सबमिट करें। अब वो डॉक्यूमेंट क्या है वो नीचे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, बच्चों के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको यहाँ मिलेंगे सारे, और आपकी वाइफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ मिलेंगे, अगर पेरेंट्स के हैं तो वो क्या ज़रूरत है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर हैं, ब्रदर सिस्टर्स के लिए डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर हैं। इस तरह से इसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से इनकी स्टडी कर सकते हो और अपने अगर किसी को ज़रूरत है तो वो अपना करेक्शन करा सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर भी खेल जगत से है और ये उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो अपने बच्चों को खेल कूद में ले जाना चाहते हैं, यानी कि 8 साल से 14 साल तक के लड़कों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर चमकने का सुनहरा अवसर। और ये मौका है दोस्तों बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर रुड़की द्वारा 6 से 9 अप्रैल 2021 तक बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी के लिए 8 से 14 साल के बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। ओपन भर्ती की रैली है। अगर आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना चाहते हैं, पवेलियन ग्राउंड BEG एंड सेंटर रुड़की में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये दोस्तों ऑल ओवर इंडिया के लिए है, जो 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक के बीच में इसका प्रोसेस है। और दोस्तों, इसी तरह की बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी 13 अप्रैल 2021 से लेकर 16 अप्रैल 2021 तक RVC सेंटर एंड कॉलेज मेरठ कैंट में भी आयोजन किया जा रहा है। जो लोग चाहते हैं उनके बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना, वो भी यहां पर जाके अप्रोच कर सकते हैं। ये दोस्तों 8 से 14 साल के बीच के उम्र वाले बच्चों के लिए है। दोस्तों, अगली खबर सैनिक स्कूलों के संदर्भ में है, सैनिकों के लिए, जिसमें 2021-22 के लिए सैनिक स्कूलों में यानी कि जो टोटल 33 सैनिक स्कूल है हमारे, उन सभी में लड़कियों को भी अब एडमिशन मिलेगा। दोस्तों, मिजोरम के चिंगचिप सैनिक स्कूल में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब सरकार ने सभी सैनिक स्कूलों में लड़कियों के एडमिशन के प्रवेश को मंजूरी दे दी है। तो जो भाई अपनी लड़कियों को सैनिक स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, वो वर्ष 2021-22 के लिए सैनिक स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक कदम है सरकार का। तो दोस्तों, ये थे आज के सैनिक समाचार। फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो में किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।